गाइस, आप लोगों ने जो है इनकॉग्निटो मोड का नाम तो जरूर सुना होगा। हो सकता है इसको बहुत से लोग यूज भी किए हों, लेकिन क्या जब भी हम इसमें कोई भी वेबसाइट या कोई भी चीजें सर्च करते हैं तो क्या यह हमारे लिए सेफ होता है कि नहीं होता है? क्या हम इसमें कोई भी चीजें सर्च कर सकते हैं? तो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि क्या इनकॉग्निटो मोड हमारे लिए सेफ है या नहीं है। अगर है तो हम इसको कैसे यूज करें ताकि किसी कोई भी हमारे डेटा को ना पढ़ सके, ना कैच कर सके किसी भी डेटा को। तो गाइस, मेरा नाम है राज सोनी और आप देख रहे हैं टेक्निकल ज्ञान चैनल। तो चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। जब भी इनकॉग्निटो मोड को ऑन करता है, इनकॉग्निटो मोड का मतलब होता है गूगल का या किसी ऐसे ब्राउजर का प्राइवेट ब्राउजर होता है जहाँ पे हम कोई भी डेटा को सर्च करते हैं, किसी भी चीज को सर्च करते हैं तो वहाँ पे वह स्टोर नहीं होता है। अगर हम नॉर्मली गूगल में जाके या क्रोम में जाके कोई भी चीजें सर्च करेंगे तो वह हिस्ट्री में जाके सेव हो जाता है और भी कई जगह पे जाके वह सेव हो जाता है। तो गाइस, इनकॉग्निटो मोड जो होता है एक प्राइवेट ब्राउजर है, यहाँ पे हम कोई भी चीज जब सर्च करते हैं तो उसका हिस्ट्री सेव नहीं होता है। तो गाइस, बहुत से लोग यह सोचते हैं कि हम जो है एक ऐसे दरवाजे के पीछे हैं जहाँ पे हमको ना कोई देख सकता है ना कोई ट्रैक कर सकता है। तो गाइस, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब भी आप इनकॉग्निटो मोड को ऑन करते हैं तो आपके सामने इस तरह का एक मैसेज आता है जिसे एक्साइटमेंट में बहुत से लोग पढ़ना भूल जाते हैं और वह छोटी छोटी गलतियां करते रहते हैं। तो गाइस, इस मैसेज में एकदम क्लियरली लिखा हुआ है कि आपकी जो कुकीज है और हिस्ट्री है यह सभी सेफ नहीं होगी। लेकिन गाइस, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे आपको कोई ट्रैक नहीं कर सकता, यहाँ पे आपको ट्रैक किया जा सकता है। चीटिंग करता है तू, चीटिंग 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 करता है तू। जो आपके ISP होते हैं यानी कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जो होते हैं वो आपको यहाँ पे ट्रैक कर सकते हैं, और गवर्नमेंट या किसी ऑफिस में जब आप काम करते हैं तो वहाँ पर भी आपको ट्रैक किया जा सकता है। ओह शिट, नो, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, कह दो कि ये झूठ है। तो गाइस, इस इनकॉग्निटो मोड में दो चीजें और है जिसे मैं आपको बताना चाहता हूँ। एक HTTP होता है वेबसाइट और एक HTTPS होता है। इस दो तरह के वेबसाइट आपको देखने को मिलते हैं। जो HTTPS होता है या बहुत ही सिंपल है, जब भी आप किसी भी वेबसाइट पे जाते हैं तो आप वहाँ पे जो है कोई भी डेटा को जब सर्च करते हैं तो वह डेटा आपको जिस वेबसाइट पे ले जाके रखता है वो HTTPS होता है। इसमें सिर्फ सर्वर को यह पता होता है कि आप कौन से वेबसाइट पे जा रहे हैं, जबकि उसको यह नहीं पता होता कि आप उस वेबसाइट के अंदर जाके क्या कर रहे हैं, कौन सी डेटा को कलेक्ट कर रहे हैं, इतना नहीं पता होता। इसलिए यह जो HTTPS होता है यह बहुत ही सेफ होता है, और जो HTTP होता है यह उतना सेफ नहीं होता है। इसमें आप जिस भी वेबसाइट के अंदर जाते हैं और वहाँ से डेटा को कलेक्ट करते हैं, रिसीव करते हैं या सेंड करते हैं किसी भी डेटा को, तो वहाँ वापस सभी चीजें सेव हो जाती हैं। मगर क्यों? मैं आपको एक छोटे से एग्जाम्पल के थ्रू बताऊंगा। मान लीजिए जिस तरह डाकिया होता है किसी भी लेटर को ले जाके दूसरे प्लेस तक पहुंचाता है, उसी तरह हमारा ये सर्वर भी होता है। हम कोई भी चीज जैसे सर्च करते हैं, मान लीजिए हम गूगल पे सर्च करते हैं youtube.com, तो वह हमको यूट्यूब पे ले जाके चला जाता है, लेके हमको ले जाता है, और वहाँ पे यूट्यूब के अंदर जो भी हम देखते हैं, जो भी वीडियोस देखते हैं, वह सर्वर के पास सेफ नहीं होता है। वह सिर्फ उसको इतना पता रहता है कि आप जो है youtube.com के वेबसाइट पे इतने बजे गए हैं, उसका टाइमिंग बताता है और आप कितनी देर उस पे रुके हैं या सभी चीजें बताता है। उसके IP एड्रेस के द्वारा आपको जो है वहाँ से ट्रैक किया जा सकता है। जब भी कोई इलीगल काम आप करते हैं तो वहाँ से आपको पुलिस आसानी से ट्रैक कर सकती है। तो गाइस, इसमें जो है आपको ISP भी ट्रैक कर सकता है, जो कि आपका जो है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होता है, वो भी आपको यहाँ पे आसानी से ट्रैक कर सकता है। और जो गाइस HTTP होता है वह जो है आपकी पूरे डेटा को कलेक्ट करके रखता है। इसमें वह अपने फायदे के लिए भी रख सकता है गाइस। तो आजकल जो आप वेबसाइट देखते होंगे वह सभी वेबसाइट जो है HTTPS ही आते हैं। बहुत ही कम वेबसाइट होंगे जो HTTP के नाम से आते हैं। तो गाइस,
इस वीडियो में मैं आपको यही बताना चाहता था कि आप इनकॉग्निटो मोड को कैसे यूज कर सकते हैं। इसमें जो डेटा होता है वह कलेक्ट तो नहीं होता है, बट इसमें जो आप इसमें कोई भी पर्सन आपको ट्रैक नहीं कर सकता, लेकिन आपके जो ISP होते हैं और इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर या किसी ऑफिस में जब आप काम करते हैं तो वहाँ पे आपको ट्रैक किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि यह सेफ है। इसमें आप कोई भी डेटा को जब आप इसमें एंटर करते हैं या किसी वेबसाइट में आप जाते हैं तो उसका डेटा आपका सेव नहीं होता है। कोई भी पर्सन आपको उस डेटा को नहीं देख सकता सिवाय ISP का और ऑफिस, किसी ऑफिस में आप कॉलेज में आप काम करते हैं तो वहाँ के सिवा और कोई आपके डेटा को नहीं देख सकता। तो गाइस आप बिना डरे इनकॉग्निटो मोड को यूज कर सकते हैं। मेरे को जाना पड़ेगा। बस थोड़ी जिम्मेदारी लेकर इसको यूज करिए जिससे किसी को परेशानी ना हो। तो गाइस आशा करता हूँ कि आज का यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। गाइस यदि आप इस वीडियो पे पहली बार आए हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें ताकि उन्हें भी पता चले कि इनकॉग्निटो मोड सेफ है या नहीं है। तो गाइस इस वीडियो को देखने के बाद हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करिए ताकि हमारे आने वाली नेक्स्ट वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुँच सके। तो गाइस मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।